Hi guys, once again, I welcome you to the Unleash channel. Myself Saransh, this is my friend Sonu. ये हमारा एक छोटा सा कैनल है सोनीपत में, मेन सोनीपत सिटी में. और आज हमें एक मौका मिला है कि हम अपनी ब्रीड वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड्स या DDR जर्मन शेफर्ड्स उसके बारे में आपको थोड़ा बताएं. तो बेसिकली जर्मन शेफर्ड्स ओरिजिन हुए थे हमारे अराउंड 1890s में, व्हेन दे यूज टू बेसिकली हर्डिंग के लिए काम आते थे जर्मन शेफर्ड्स. फिर इनका धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो धीरे धीरे वो सारे फार्म कन्वर्ट होने लग गए टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज होम्स. तब एक वहाँ आदमी था फ्रेडरिक वॉन स्टेफनिट्स, उसने क्या करा, उसने ये ओरिजिनल डॉग्स जो उस टाइम ओरिजिन से थे उसने उसके अराउंड 50 को डॉग्स रख के अपने पास अलग से रख लिए. तो उसको डर था कि ब्रीड गायब हो जाएगी. दैट वॉज द बेसिक ओरिजिन ऑफ वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड्स. सो वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ. नाम से पता चल रहा है कि ब्रीड हमारी बेसिकली जर्मनी से है एंड दे आर वर्किंग डॉग्स. वर्किंग डॉग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनको वर्क्स में यूज़ करते हैं. हाँ, दे आर अ फ्रेंडली कंपेनियन टू अस एज वेल एज आवर फैमिली मेम्बर्स. अब अगला क्वेश्चन जो लोगों को आता है कि यार जर्मन शेफर्ड और वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड में क्या फ़र्क होता है. बेसिकली है तो दोनों सेम पेरेंट ब्रीड के. अब फ़र्क क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का शौक बढ़ा डॉग्स पालने का, पहले लोग डॉग सिर्फ वर्क के लिए पालते थे, अब धीरे धीरे लोगों का शौक पड़ा तो लोगों ने क्या करा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ना डॉग्स को शो करना शुरू करते हैं, मेरा डॉग अच्छा है किसका डॉग अच्छा. तो शो के कारण ब्रीड्स खराब, बहुत ब्रीड्स खराब हो गई हैं प्रेजेंटली. तो ऐसा ही हमारे वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड के साथ हुआ. इनके साथ क्या हुआ, इनके में थोड़े बहुत डिफेक्ट्स आने लग गए, धीरे धीरे इनका जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स था वो बदलने लग गया. जो आजकल हम जर्मन शेफर्ड देखते हैं जनरली वो हम देखते हैं अपने ब्राउन और ब्लैक कलर के, आपको जो जनरली दिखते हैं दे आर जनरली स्लोप्ड, उनका पीछे स्लांट होता है. जो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड्स होते हैं दे हैव अ स्टेबल बॉडी, ये जनरली शॉर्टर होते हैं. हाँ, ये थोड़े छोटे होते हैं उनसे कंपैरेटिवली, बट ये मोर एक्टिव एंड मोर एनर्जेटिक होते हैं. अब जाते आते हैं ब्रीड स्टैंडर्ड्स पे. ब्रीड स्टैंडर्ड पे बेसिकली एक अडल्ट मेल का वेट अराउंड 30-40 kgs के बीच में होता है एंड फीमेल गिव्स 25-45 kgs. हाइट इनके अराउंड 26-27 इंच फॉर अ मेल, एज फॉर अ फीमेल अराउंड 23-25 इंच. टेम्परमेंट वाइज दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली एंड अगर हम इनको एक अच्छी एक्सरसाइज दे पाएंगे, एक इनके लिए हम अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे तो ये कहीं भी सेटल हो जाते हैं. अब अगला क्वेश्चन आता है कि वर्किंग लाइन बेटर कैसे है या शो लाइन बेटर कैसे है. दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं. हाँ, मैंने इस चैनल पे आपको शो सके कभी वीडियो दिखाएंगे, हमारे पास वर्किंग लाइन डॉग्स भी हैं, बट हम पर्सनली ये प्रेफर करते हैं क्योंकि ये थोड़े रफ एंड टफ डॉग्स हैं. वर्किंग लाइन के साथ कुछ दिक्कतें होती हैं जो ऑलमोस्ट वेरी कॉमन है. अब हमें इन डॉग्स के बारे में आ जाते हैं. वेरी फ्रेंडली डॉग्स, वेरी फन टू हैव विथ, वेरी एक्टिव. इन डॉग को हमें एक जरूर है, ये ऐसे डॉग नहीं है कि हम चाहें इनको बांध के रख लिया या इनको छोटे कमरे में बंद कर दिया, छत पे बंद कर दिया, ऐसा नहीं. जितना भी हम एक डॉग को बचपन से सोशलाइज करेंगे वो डॉग उतना ही अच्छा आगे बढ़ के निकलता है. इनको सुबह एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर की वॉक मिनिमम चाहिए, सेम टाइम शाम को भी चाहिए. उसके अलावा आई डोंट थिंक दे रिक्वायर एनीथिंग मच मोर देन दैट एंड दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट. ये डॉग्स अपने इसी नेचर के कारण ऑलमोस्ट ऑल वर्किंग पुलिस डिपार्टमेंट्स एज वेल आर्मी डिपार्टमेंट्स में वन ऑफ द टॉप ब्रीड्स है. अब इनकी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये अपने इंटेलिजेंस के लिए ज़्यादा माने जाते हैं एंड मोर देर यूज इन आर्मी. ये प्रीमियर डॉग था हमारा World War II तक इन ऑल द आर्मीज, बट World War II में जर्मनी जब हारी तो जर्मनी के अगेन जर्मन नाम था जिसका थोड़ा इसका डाउनफॉल हुआ, बट अगेन इट हैज़ रिजन टू अ पॉपुलैरिटी कि एक वर्किंग लाइन, अच्छी वर्किंग लाइन जो हम जनरली वर्किंग लाइन वेस्ट जर्मनी की माने जाते हैं, ईस्ट जर्मनी लाइन्स भी होती हैं, ये हमारी वेस्ट जर्मनी वर्किंग लाइन है, तो वो ओरिजिनल मानी जाती है. अब हम इसके कलर्स पर आ जाते हैं. बेसिकली ये हमारे रफ एंड टफ डॉग्स हैं तो इनके कलर तो वेरीड कलर्स आते हैं. तो मोस्ट कॉमन कलर है एक सेबल कलर है इनका, एक अपना बाय कलर है, जैसे आप ये देख रहे हैं डॉग बाय है, ऊपर से ब्लैक है नीचे से ब्राउन है. देन वी हैव अनदर कलर ऑल ब्लैक, और उसके अलावा और भी मेरिंग वेरिंग विशेष वेरिंग शेप्स में आते हैं, बट दीज थ्री आर द कॉमन शेड्स. आप कल को लोग बोलते हैं बाबा कमेंट करते हैं अरे वाइट भी था ये भी था, वो भी इन्हीं के शेड हैं, ग्रे शेड्स भी आते हैं इसमें, बट दीज थ्री आर द मोस्ट कॉमन वंस एंड दिस बाय वन एज वेल द ब्लैक वन आर वेरी रेयर टू कॉप.
Now coming to their quotes and their maintenance. ये generally working line और हमारे show line में फ़र्क क्या होता है? Working line generally short quotes होते हैं, shorter, ये short stubby होते हैं and they're more muscled as compared to the हमारे show lines के लिए. Plus इनका जो quote और quote होता है वो short quote होता है या double quote कहते हैं, long quote में नहीं आते. कुछ वेरिएंट्स हैं जो डबल कोट में ही लॉन्ग होता है, पर इनका लॉन्ग कोट वैसे नहीं होता. और ये हमारे इजी टू मेंटेन होते हैं, इनकी एटलीस्ट वीक में एक बार ब्रशिंग करते हैं, दैट इज इनफ. क्या ये शेड करते हैं? हाँ, डेफिनेटली शेड करते हैं. दे शेड अ लॉट ड्यूरिंग शेडिंग सीजन्स, ड्यूरिंग द शेडिंग सीजन्स. एंड ये सीजन कम से कम दो बार आता है, जैसे अभी भी इनका शेडिंग सीजन आया हुआ है. उसके अलावा दे आर वेरी एक्टिव एंड दे आर वेरी अटेंटिव, प्लस दे आर वेरी गुड विद चिल्ड्रन अगर इनको ट्रेन कराया जाए तो. ट्रेनिंग के साथ कोई भी डॉग, मेरा ऐसा मानना है, आराम से एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकता है. प्लस इनका कॉम्पैक्ट साइज एंड द एडवांटेज ऑफ हेल्थ ओवर द शो लाइंस इज बेटर फॉर अस कि हम एक वर्किंग डॉग्स की तरफ जाएं. अब ये ब्रीड इंडिया में कंपैरेटिवली नहीं तो नहीं कहूँगा, रिसेंटली 2-3 साल 4 सालों में बहुत लोगों को जानना आया है कि वर्किंग लाइन में क्या है, शो लाइन क्या है, बट स्टिल वर्किंग लाइन आर रेयरर टू फाइंड इन द करेंट प्रेजेंट सिनेरियो. शो लाइन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर दूसरे घर में भी मिल जाएंगे, वर्किंग लाइन बहुत कम मिलते हैं. तो एक थोड़ी एक्सक्लूसिविटी है. इस एक्सक्लूसिविटी के कारण और ये ओरिजिनल ब्रीड होने के कारण, क्योंकि जो फेडरिक जी थे जिन्होंने ये स्टार्टिंग करी थी ब्रीड की, उनके पास स्मॉल पूल लाइन था, तो इसमें क्रॉस मेटिंग भी कम है. तो इस डॉग को जनरली कोई बीमारियां बहुत कम लगती हैं एज कम्पेयर टू द अदर शो लाइन. एक जर्मन शेफर्ड में बहुत कॉमन बीमारी है हिप डिस्प्लेजियास. तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे मदर है एज वेल एज द चाइल्ड एज वेल द फादर है डॉग का, बोथ ऑफ देम आर स्क्रीन फॉर हिप डिस्प्लेजियास प्रायर. दे डोंट हैव एनी हिप डिस्प्लेजिया, तो पॉसिबिलिटी इनके बच्चों में आने की बहुत कम हो जाती है. एक हिप डिस्प्लेजिया बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग ले लेते हैं बाद में. जर्मन शेफर्ड के जो हाइंड लेग्स होते हैं ये काफ़ी एंगल पे होते हैं, DDR कितने नहीं होते जितने वर्किंग लाइन के होते हैं, तो इनके यहाँ हिप में ज़रा दिक्कत रहती है. तो बहुत बार मैंने सुना है लोगों ने ले लिया बाद में, अरे मेरा जर्मन शेफर्ड टेढ़ा चल रहा है, पैरों में टेढ़े आ गए, दिक्कत आ गई है. वो DDR में बहुत कम है या वर्किंग लाइन में बहुत कम है, बट स्टिल हम अपने यहाँ श्योर करते हैं कि हम एक एथिकल ब्रीडिंग कराएं, वी डोंट मेट द सिबलिंग्स. प्लस इनकी हिप स्क्रीनिंग होती है बाकायदा, सो दैट इनकी हिप में डिस्प्लेजिया ना हो. अगर डिस्प्लेजिया होता है तो हम पहले ही कस्टमर को बता देते हैं इसको डिस्प्लेजिया है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसको फर्दर मेट ना कराए. क्योंकि वर्किंग लाइन या DDR का फायदा ही तब है जब वो प्योर हो और ट्रू टू द ब्रीड करेक्टर हो. अगर ट्रू नहीं होगा तो वो वर्किंग लाइन DDR कभी नहीं हो सकता. उसके बाद इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आ जाते हैं. ये जनरली 10 से 11 साल रहता है, पर ऐसे एग्जांपल मेरे पास भी हैं कि जो 15 साल भी जिए हैं, बट 10 से 11 एवरेज मान के चलें. उसके अलावा इस डॉग में कोई ऐसा हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, रफ एंड टफ है, जो चाहे वो खा सकता है. ऐसा नहीं कि इसे नॉन वेज ही खाता है, वेज ही खाता है, वो आपके घर के हिसाब से डील कर जाता है. एनी फूड इज़ गुड विद इट. प्लस ये बहुत अच्छा कंपेनियन है, इतना समझदार है, आपके मूड्स पे सब कुछ इसको चेंज रहता है. एंड बींग सच इंटेलिजेंस कि ये हर एक फील्ड पे इट इज़, कि कुछ डॉग्स होते हैं तो सिर्फ वो स्निफिंग और उसके काम आता है, ये एज वेल एज अटैक प्लस स्निफिंग बोथ के दोनों के काम आता है. एंड मोर और मोर आर्मीज, हमारे इंडियन आर्मी ने भी इसको बहुत प्रोक्योर किया है और प्रेजेंटली इसकी भी बहुत हाई डिमांड है. ये बाकी वर्किंग ब्रीड्स जैसे हमारी बेल्जियन मेलिना हो गए, डच शेफर्ड्स हो गए, उनसे थोड़ा हायर प्रीमियम कैटेगरी में माना जाता है DDR जर्मन शेफर्ड बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी. वो ब्रीड्स ही बहुत प्रीमियम है, ये नहीं कह रहा कि मैं वो सस्ती ब्रीड्स हैं, बट ये एक ज़्यादा प्रीमियम मानी जाती है और प्रीमियम है भी. इसके बारे में बोलना शुरू करूँ तो मैं बहुत घंटे ही घंटे बोल सकता हूँ, बट एक छोटा सा इंट्रो देना चाहता था आपको ब्रीड के बारे में, एक ब्रीडर्स पर्सपेक्टिव के बारे में कि कैसा डॉग है, किस घर के लिए है. मेरे हिसाब से सभी घरों के लिए है क्योंकि बहुत समझदार, बहुत अच्छा डॉग है. और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.